স্টেঞ্জার কোম্পানি পিবিটি 701 এম্প্লিফায়ার। ये एम्पलीफायर ख़राब हो गया है तो हम इसको पहले चालू करेंगे, इसके बाद देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम इस एम्पलीफायर को चालू करते हैं। देखिए एम्पलीफायर को हमने ऑन कर दिया है। अभी देखिए इसका इनपुट आउटपुट कनेक्शन भी हमने कर दिया है। देखिए इनपुट आउटपुट कनेक्शन भी हमने कर दिया है। अभी हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए देखिए हमने फुल वॉल्यूम बढ़ा दिया है, कोई भी साउंड नहीं है। ये स्विच देखिए प्रॉब्लम हो गया है, साउंड नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। साउंड नहीं है, देखिए वॉल्यूम बढ़ाने से थोड़ा सा फट फट आवाज़ आ रहा है। देखिए तो इसी प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो पहले हम इस एम्पलीफायर को खोल लेंगे, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। एम्पलीफायर को हमने खोल लिया है। देखिए ये न्यू मॉडल 701 है। अभी हम इसका जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम चेक करेंगे। अभी हम एम्पलीफायर में लाइन देते हैं। देखिए पावर स्विच ऑन कर दिया है। मीटर को डीसी दूसरे रेंज में रख दिया है। पहले हम प्लस वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए प्लस वोल्टेज 38.1 वोल्ट और माइनस वोल्टेज है देखिए 39.9 वोल्ट। और एक बार प्लस वोल्ट देख लेते हैं। देखिए 40.2 वोल्ट। अभी हम ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वोल्टेज भी देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वोल्टेज भी 40.4 वोल्ट है और बेस वोल्टेज भी देख लेते हैं। देखिए बेस वोल्टेज 0.2, माइनस वोल्टेज भी देख लेते हैं। देखिए सेम है। तो दोस्तों इसका जो वोल्टेज सप्लाई है वो सब कुछ ठीक है। तो इसका ये जो पैनल बोर्ड है, तो इस पैनल बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो हम इस पैनल बोर्ड को खोल लेते हैं। ये जो वेस्टिबुल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में प्रॉब्लम है, इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं। तो बंद कर देते हैं। तो दोस्तों पैनल बोर्ड को हमने खोल लिया है। अभी इस पैनल बोर्ड का जो वोल्टेज सप्लाई है इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये जो पीबीटी 701 एम्पलीफायर है स्टेंजर का,
बहुत सारे एम्पलीफायर में इस प्रॉब्लम होता है, तो देखिए कैसे हम इसको ठीक करते हैं। तो अभी इसका वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, तो पावर स्विच ऑन करते हैं। देखिए पावर स्विच हमने ऑन कर दिया है, अभी हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वोल्ट वोल्टेज सप्लाई ठीक है। ऑडियो भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए ऑडियो भी ठीक है। तो इसी बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो इसको हम ठीक करेंगे। अभी बंद कर देते हैं, बोर्ड को हम चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों बोर्ड को हमने चेक कर लिया है, ये जो 548 जो ट्रांजिस्टर है ये सब ट्रांजिस्टर हमने चेक किया है, ये सब ठीक है। तो देखिए ये जो मास्टर वॉल्यूम है इसी के पास, ये जो देखिए ये जो दोनों 548 ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जो ये देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है, देखिए ए ट्रांजिस्टर का ये जो बेस का जो सप्लाई था, देखिए 330 के जो रेजिस्टेंस है इसी रेजिस्टेंस ख़राब होता है, तो ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो गया है, इसीलिए इस एम्पलीफायर में आवाज़ नहीं है और वॉल्यूम रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ख़राब है, इस रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा और इसी रेजिस्टेंस ख़राब के लिए हो गया है, तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे, ये जो 330 के रेजिस्टेंस है इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम खोल लेते हैं, तीन सौ तीस के जो रेजिस्टेंस था वो हमने खोल लिया है, अभी एक नया रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। तो हमारा पास अभी 330 के रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम 220 के लगाएंगे, ये भी काम करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 220 के हम लगा देते हैं। रेजिस्टेंस को हमने सोल्डरिंग कर दिया है, अभी हम इसको चेक करेंगे। ये जो 330 के रेजिस्टेंस था हम इसको चेंज कर दिया है, उसके जगह पर हम 220 के लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो 548 ट्रांजिस्टर है इसके बेस में कनेक्शन हुआ है, तो यही रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है, इसीलिए इसका साउंड प्रॉब्लम हो गया है। तो इसको हम लगा दिया है, अभी इसका जो साउंड है इसको हम चेक करेंगे। तो अभी इस एम्पलीफायर को हम चेक करेंगे, लाइन दे दिया है, हम पावर स्विच ऑन करते हैं।
देखिए ऑन कर दिया है पावर स्विच। अभी हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अभी हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। Boys, was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. साउंड ठीक हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस एम्पलीफायर को हम फिटिंग्स कर लेते हैं।